एवरीवन, जय जिनेन, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ चारू जैन। तो गाइस, होली आ रही है, होली की तैयारियाँ कैसी चल रही है? मेरी तो बहुत अच्छी चल रही है, खाने की भी बहुत सारी तैयारियाँ हो गई हैं, नमकीन सेब बन गए हैं और आज कांजी वड़े की पकौड़ी भी मम्मी ने बनाई है, मठरी भी बन गई है। तो और मैंने भी जो टी शर्ट्स है वो प्रिंट हो चुकी हैं, गुलाल ऑलरेडी बन गया है। वो ब्लॉग नहीं देखा हो तो आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। आप ऑडियो आपने देखा होगा, मेरे डाइनिंग टेबल के ऊपर एक वॉल है ग्रे कलर की, तो अब मैंने सोचा है कि उसको डेकोरेट करती हूँ कि होली के पिक्स हम लोग वहीं पे क्लिक करेंगे तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, ऐसे ऐसे ये कुछ प्रिंट आउट्स ले लिए हैं, ये ऐसे कुछ प्रिंट आउट्स ले लिए हैं इस तरीके के, देखिए। तो उसके बाद मैंने ये लिए हैं कुछ, ये जो काइट पेपर होता है, कलरफुल, बहुत सारे कलरफुल काइट पेपर लिए हैं। तो उसको कुछ कटिंग करके, पेंट करके अच्छा सा मैंने ये एक दिखाती हूँ आपको, मैंने ये एक ऐसा बना लिया है, बस ऐसे ही करके वॉल डेकोरेट करती हूँ। आप भी अपना घर का कोई कॉर्नर, कोई वॉल या बेड के ऊपर का जो एरिया, जो वॉल होती है, वो डेकोरेट कर सकते हैं, वहाँ पर अच्छे से पिक्स क्लिक कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said, one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to make. Shining stars. He said, go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said, one day you'll leave this world behind. So live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. डेकोरेशन जो कि बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया मेरे साथ, मतलब
वो जो मैंने वॉल डेकोरेशन करी तो ऐसा लग रहा है कि वो होली के लिए नहीं, इंडिपेंडेंस डे के लिए करनी है। अभी उसकी क्लिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब मैं उसका वापस से मेकओवर करने वाली हूँ, जो उसका पूरा बॉर्डर है मैं उसको पूरा वाइट कर दूँगी, और जो मैंने साइड में ऑरेंज और जो ग्रीन जो काइट पेपर लगाए हुए हैं वो हटा दूँगी। फिर देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। कुछ मैंने फैंस बना लिए हैं, कलरफुल पेपर लाकर जो फैंस बनते हैं वो बना लिए हैं, अभी उसको लगाकर फिर देखती हूँ। तो गाइस कल मैं गई थी डी मार्ट, तो मैंने करी बच्चों के लिए थोड़ी सी शॉपिंग, मतलब गई तो थी ग्रॉसरीज लेने, बट बच्चों के लिए भी थोड़ा कुछ लेकर आई हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए ये कितने ज़्यादा सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं, ये तीन तीन का पूरा सेट है। ये देखिए बहुत बहुत मुझे ये बहुत पसंद आया, ये निकाल लिया मैंने, इसके दो उन दोनों ने यूज़ कर लिए हैं। देखिए कितना ज़्यादा सुंदर है। और मैं लेकर आई हूँ उनके लिए ये आफ्टर अरू के लिए सैंडल्स, दोनों के लिए बहुत बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे हैं गर्मियों में पहनने के लिए, तो ये लेकर आई हूँ आफ्टर अरू दोनों का सेम। और ये है पिचकारी, तो ये मैंने के लिए लेकर आ गई पिचकारी, इसमें पानी और छोटी सी है, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी भी मिल रही थी, बट ये इतने छोटे हैं तो मैंने सोचा इनके लिए दोनों के लिए छोटी लेती, तो दोनों की ऐसे पिचकारी। और ये एक लेकर आई हूँ उनके लिए माय फर्स्ट रैक, ये सिर्फ 129 रुपीज़ का है, और ये भी कुछ 119 रुपीज़ का है। तो डी मार्ट में बहुत अच्छा सामान मिलता है, बहुत सस्ता भी मिलता है, तो वहाँ पे और मतलब सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कोई भी ग्रॉसरीज हो सारी ब्रांड सब कुछ मिलती है। अगर आप कहीं भी हो और डी मार्ट आपके आसपास है तो आप एक बार वहाँ पर आप जाकर आप चेक कर सकते हो। तो गाइस चलिए फिर मैं भी करती हूँ वो वॉल का मेकओवर, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस अब ये हो रहा है इस वॉल का मेकओवर, ये मैंने जो साइड में जो कलरफुल काइट पेपर लगाए थे उसकी जगह हटाकर उसका पूरा जो बैकग्राउंड है, मतलब उसका जो पूरे कॉर्नर्स हैं, और उसको मैंने वाइट चार्ट पेपर लगा दिया, और उसके ऊपर ये जो फैंस दिख रहे हैं आपको ब्लू और रेड, ऑरेंज एंड ब्लू, ये मैंने लगा दिए। और अब मैंने पकड़ा है नैन्सी को, वो यहाँ पर अपने हाथ से अपना पूरा पाम का इम्प्रेशन दे रही है वहाँ पर, और बस हम मस्ती कर रहे हैं और ये वॉल डेकोरेट कर रहे हैं। आप भी करिए वॉल डेकोरेट, आपको बड़े मज़े आएंगे ऐसा कुछ करने में। तो देखिए नैन्सी की मस्ती चल रही है और वॉल डेकोरेशन भी हो रही है। तो चलिए देखिए आप, अब ये शायद अब अच्छी हो जाएगी, और इस तरह से ऐसे ब्रश से कोई भी कलर के कहीं भी रैंडमली आप पेंट कर दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा ही पूरा होली वाली थीम अब लग रही है। अगर आपको भी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं कल कुछ चीज़ें लेकर आई थी, ये कुछ ऑर्गेनिक कलर्स लेकर आई हूँ सुंदर सुंदर से, ये तीन कलर। ये अन्नपूर्णा स्टोर है सूरत में, वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, अगर आप सूरत में हो तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ मैं लेकर आई हूँ, ये है टेसू के फूल, यूपी में इसको टेसू के फूल बोलते हैं, गुजरात में इसको केसुआ के फूल बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि होली के एक रात पहले आप इसको मतलब किसी टब में या किसी बड़ी बकेट में इसको वाटर में इसको डिप करके रख दो इन फूलों को, तो अगले दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसको छान के आप यूज़ करो, बहुत अच्छा सुंदर केसरी कलर आएगा। तो गाइस आप वो जो रूह होता है जो पक्का कलर, उसके जगह पर आप ये वाला कलर यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा। पहले जब हम छोटे थे तो पापा इसको बनाते थे और हम लोग बड़े मज़े से, इसमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी आती है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। गाइस ये जो वॉल है, पहले आपने देखा था इंडिपेंडेंस डे की जो थीम बन चुकी थी और वो निकल गया तो नैन्सी हंस रही है पास में बैठ के कि वो गिर गया है, बट कोई बात नहीं, मैं उसको वापस से लगा दूँगी। तो वो जो इंडिपेंडेंस डे की जो थीम बन गई थी, बट वो अभी बहुत अच्छी हो गई है। और ये जो नीचे का ये जो पोर्शन है, वहाँ पर आपका हाथ अरू का दोनों का हाथ पहुँच जाता है, तो वो निकाल देंगे, इसलिए मैंने उसको अभी ऐसे ही छोड़ा है। तो होली के एक दिन पहले मतलब कल रात को या परसों मॉर्निंग में मैं उसको अच्छे से उसको वाइट कलर ऐसा ही चार्ट पेपर लगाकर उस पर ऐसे ब्रश से कलर करके
यहाँ पे मैं वो लगा दूँगी। तो देखिए अभी ये लग रही है शायद बहुत सुंदर सी वॉल। तो आप भी अपने घर का कुछ ऐसा कुछ कर सकते हो। अगर आप कुछ ऐसा करो, पिक सेंड करो, तो आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हमें पिक सेंड कर सकते हो। गाइस आज का ये वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कॉमेंट करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। As long as I'm able, scare the monsters under your bed, deep in the black.